महिला संगीत खत्म हो जाती है ना, सब चले जाते हैं। सब कुछ तैयारी है, डीजे है, बैंक्वेट हॉल है, सब फोटोग्राफर। अपन संस्कृति, अपन पिछाड़ पहाड़ी छोड़ी भावना चुपाल, मेरा नाम तेहरा है। नमस्कार, प्रणाम, पहला जय 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 की हाल चाल है रान सब ठीक ठाक। तो दगड़ियों में बुरियात है गे, आज मैं महिला संगीत हूँ, मैं तभी ने बुलाया नहीं रखती। तो आज जो है मेरा शूट है ज्वेलरी का, गुनगुन ज्वेलर्स हल्द्वानी में। तो आज यहाँ मैं शूट के लिए आई थी और मेरा यहाँ पर रूप चेंज हो चुका है और अभी जो है फोटोग्राफर आ चुके हैं, तो मैं जा रही हूँ। तो मेरे साथ है चांदी चुपाल और साथ में है गुनगुन ज्वेलर्स के ऑनर और ये दीदी है और एक और दी है, जो तो आपने पहले वाले व्लॉग में देखा होगा। लॉक कर दूँ, लॉक कर दूँ ना। काफी स्पेस है यहाँ पे, नहीं अच्छा है मतलब। और मेरा मेकअप करा है इन्होंने, मेकअप आर्टिस्ट भी है हमारे साथ और गुनगुन ज्वेलर्स के ऑनर्स भी है हमारे साथ, जिन्होंने मेरे को गहने पहनाए हैं सोने के, जो बहुत क्यूटी लग रही है। सोने में लाद दिया है मेरे को, आज भाग मत जाना ऐसी। लहंगा भी पहनाया, नहीं भाग पाऊंगी, इसीलिए हमने लहंगा पहनाया। तो गाइज़ यहाँ पर जो है मेरे माथे पर थोड़ा सा काजल लग गया था, तो वो दीदी सही कर रही हैं और मेरे को चुन्नी में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो मैंने चुन्नी भी जो है यहाँ पर सही करवाई अपनी। तो दगड़ियों, मेरी बरियात के लिए देख रहे हो बैंक्वेट हॉल है, बस ब्योला की कमी है। सब कुछ तैयारी है, डीजे है, बैंक्वेट हॉल है, सब फोटोग्राफर भी है, बस दुल्हनी है। महिला संगीत खत्म हो जाती है ना, सब चले जाते हैं। बधाइयां आएंगी अभी, पोस्ट डालेंगे तो संगीत तो वो ही। यहां पे तो अच्छा है, एक को यहां पे तो जाएगा, यहां पे पहले हैंड रखना, फिर बाहर पे आना, तो ऐसे हो सकता है, छोड़ दीजिए होगा नॉर्मली। देखिए आगे से क्या हुआ, फंस गए हो? तो यूं करके आओगे ना, नहीं फंसेगा वो आगे आराम से। तो वो आएगा तो नेक भी आएगी, नेक भी टर्न होगी, तो इसको देखते हुए स्माइल करते अपने सामने को देखते। हो चुकी है, तैयार। हाँ ये सही लग रहा है ना, स्कूल में जा रहा है ना अच्छे से। ये वाला क्या, कौन सा वाला? आप लिपसिंग तो कर दो ना, ये तो वैसे खाली वैसे रील शूट कर सकते हो लिपसिंग में, तो जल्दी भी आ जाएगी पूरा, वो भी शूट हो जाएगा। हो जाएगा, चलो वो शॉप में भी करेगी ना, वो तो हाँ शॉप का भी है ना, भी शॉप में तो बोल। यहाँ भी सही लग रहा है इसमें, ये स्ट्रेस में भी सही लग रहा है, दोनों में कर लो ना। शूट हो चुका है थोड़ा सा,
और मेरे साथ ही आई थी। तो कैसा लगा आपको पहले बार शूट में आके? अच्छा लगा। जाके बोले गया आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। भावना बहुत ही स्वीट और बहुत ही फन लिविंग लड़की है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं आगे भी उससे बहुत सारे शूट्स करवाने वाली हूँ। शुक्रिया। जो है दूसरी ड्रेस पहनेंगे ये वाली। यस इनको घर जाके डांट पड़ने वाले लग रहे हैं। और हमने रील भी बनाई है, तो प्लीज इंस्टाग्राम में जाके आप देख सकते हैं। सबके चैनल पे, इनके चैनल पे भी इंस्टाग्राम पेज आपका बसंती लिखूंगा। और एक और है ना, वही है ना, दो है। अच्छा हाँ, बसंती खटवाल। मेरा मेकअप और भाई चंद्रा टाकुली और चंदू, दोनों मेकअप आर्टिस्ट। और इनका गुनगुन ज्वेलर्स वगैरह ब्लॉग। नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, ये तो दिखती रहती है। आप देख सकते हैं जैसे कि मेरा महिला संगीत हो चुका है। अब मैंने जो है दूसरी ड्रेस पहन लिया, खेतों में काम करने जा रही हूँ। कल इनको हम पहना रहे हैं। और सुना जितने ऊपर का करा है ना उतना ही नीचे का। ठीक छो जात, ये जात को नीचे आ जाए। अम्मा लोग जो है पहले नट पहन के खाना भी खाते थे, काम भी करते थे उस जमाने में। तभी तो मेरी अम्मा कहते जब हमारे गांव में बहू आई थी बना सोनिया गांधी, सोनिया गांधी इंदिरा गांधी, तो हम सब औरतें खूब सोना पहन के गए। तो वो कहते इस गांव के लोग तो अंदर ही याद ले क्या करना है, कुछ भी नहीं करते हमारे गांव के। नमस्कार दिगड़ियों, की हालचाल सब ठीक ठाक वाला। तो आज मैं आई हूँ गुनगुन ज्वेलर्स हल्द्वानी ब्लॉग, और ये यहाँ के हल्द्वानी के जो है पहले पहाड़ी सुनार है। और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी, पहाड़ी नथ, पहाड़ी गोलोपन और जितने भी मैंने ज्वेलरीज पहनी है ये यहीं के, और बहुत सारी वैरायटीज आप देख सकते हैं, जैसे कि अलग अलग डिजाइन के गोलोपन, लेटेस्ट यहाँ पे सारे डिजाइन आपको मिलेंगे। और आप सभी लोग जितने भी हल्द्वानी के हैं और हल्द्वानी के बाहर के भी जितने लोग हैं, सभी लोग आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के डिजाइन सच में मेरे को पर्सनली बहुत अच्छे लगे। तो यार जितने भी मैंने डिजाइन पहने हैं यहाँ पर, जितने भी ज्वेलरीज पहनी है, ये एक शॉप की है। और देख सकते हैं आप बूंदी, रानी हार, गुलोबन और नथ, और ऐसे ही बहुत सारे डिजाइन है यहाँ पे, कनफूल, मांग टीका, आप सभी को यहाँ पे मिल जाएंगे। और ऑनलाइन भी आप सभी को मिल सकते हैं। इनके जितने भी चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है और यूट्यूब चैनल है, मैं आपको कैप्शन में इनका मेंशन दे दूंगी।
तो जितने भी लोग हल्द्वानी में नहीं है और बाहर है हल्द्वानी से और इनके पेज पे विजिट करके आपको डिजाइन अच्छे लग रहे हैं तो आप सभी लोग जो है ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये है सोनू खत्री जी जो कि यहाँ के ऑनर है, इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको मेंशन कर दूंगी। तो प्लीज आपको अच्छे लगेंगे डिजाइन, क्योंकि मेरे को भी अच्छे लगे हैं और काफी लोगों को मतलब ट्रेंडिंग पे चलते हैं इनकी रील्स जो ज्वेलरी की है ना हल्द्वानी में। तो आप सभी लोग आइए और जो नहीं आ पा रहे हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। चार डिग्रियों की हलचल सब ठीक ठाक वाला। तो आज मेरा शूट था गुनगुन ज्वेलर्स के लिए हल्द्वानी में। तो बसंत दीदी ने जो है मेरा मेकओवर करा है और मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ, आप सभी को पता है, और बहुत जैसा मेकअप मेरे को चाहिए था लाइट मेकअप वैसे मेकअप दी ने करा है। और दीका सलून भी है जो कि बिंदु खत्म है, लाल कुआं बिंदु खत्म है और नाम ब्लॉसम ब्यूटी के है। तो आप जितने भी लोग हल्द्वानी के हैं बिंदु खत्म के आप सभी लोग जा सकते हैं और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो दगड़ियों हमारा शूट जो है कम्प्लीट हो चुका है और आप लोग यहाँ आज जो है शूट करा है उसका ऐड जो है मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हैं और गुनगुन ज्वेलर्स जी वाले पेज पे। आज हमें बहुत ही अच्छा लगा भावना के साथ शूट करके और आगे भी हम करेंगे और थक भी बहुत गए बट बहुत मज़ा आया इसके साथ। और आप जरूर हमारी वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल और हमें फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम में। थैंक यू। और आप हमारा हमें तो बहुत अच्छा लगा साथ में, हमने बहुत सारी मस्ती की, मतलब पता भी नहीं चला पूरा दिन कब चला गया, इतना अच्छा लगा भावना के साथ काम करके। मतलब शायद मे भी हमेशा ऐसे काम करेंगे साथ में। बिल्कुल, आगे भी मैं इनके साथ जो है शूट करूंगी। अभी तो बच्चे अभी हमारे साथ भी ये भी साथ रहेंगी लंबू ये भी आपको दिखती रहेगी मेरे साथ, तो दिखती है तो जानने में बहुत सारे फैंस हैं, आपको क्या लग रहा है। अभी कुछ ज्यादा बोल नहीं रही है, घर जाके देखना कितना बोलेगी। घर जाके देखना आप लोग। तो दगड़िया हम लोग जो है घर पहुंच चुके हैं और ना मैं बताती हूँ आपको, मैं इसको पहली बार जिंदगी में शूट में लेके गई और गाइस मैंने इसको इतना शरीफ जिंदगी में कभी नहीं देखा जितना मैंने आज इसको शरीफ शरीफ मैं मतलब कुछ बोल ही नहीं रही थी, खाली नहीं आप नहीं हाँ जी दी ठीक है जी जैसे इतनी भोली लड़की वहाँ पे बनी हुई थी ना, इतनी है नहीं जैसे आप सभी को पता है व्लॉग्स में एक ऐसे बोलती है पटरा पटरा पटरा, और वहाँ पे इतनी शांत बैठी हुई थी। अरे तो नहीं अरे मुझे ऐसे ना नए नए लोग दिखते तो मैं सबको ऐसे देखे रह जाती, फिर मुझे ऐसे शर्म जैसी आती है। मैं इसको बार बार बोल रही थी शर्मा की तेरे गाल लाल हो रहे हैं फिर मैं और शर्मा जा रही थी जब ये बोल रही थी ना शर्मा क्यों रही है, फिर मैं और फिर मुझे ऐसा और अंदर से वैसा हो रहा था ना इतना शर्मा रही थी ना गाइस क्या बताऊँ अब मैं। शरीफ तो मैं हुई हाँ शरीफ, इतनी शरीफ मैंने जिंदगी में इसको पहली बार देखा हूँ, मैं असलियत में भी हूँ हाँ शरीफ तो है ये वैसे हाँ लोगों के साथ मेरे साथ नहीं तो गाइस मजा आया सर दर्द हो रहा है अब तो मेरा भी, तुम्हारे कितने लाल लाल हो गए ये देखो, मेरे तो बिना शर्माए उस टाइम तो दगड़ियों और बता और सब बढ़िया है। और हम लोग गए पहले यहाँ से धीरज भैया ने छोड़ा, फिर धीरज भैया ने छोड़ा, फिर हम उसके बाद ऑटो में बैठ के वहाँ उतरे, फिर वहाँ से वहाँ गए, फिर वहाँ पे फिर कपड़े वपड़े इसके वो देखा फिर वो पहने, पहले तो जैसे मतलब कपड़े दिखा निकाले उन्होंने तो हाफ स्लीव्स ब्लाउज था, तो जिंदगी में मैंने कभी हाफ स्लीव्स वैसे पहना नहीं, और जैसे ब्लाउज निकाला मैं चंदी को देखूं, चंदी मुझे देखे, हमें चंदी को देखूं, चंदी मुझे, ये क्या हुआ हाफ स्लीव्स कैसे पहनूंगी। फिर उसके बाद
और हमने आधे हाथ में मैक्स कर लिया कल ही बोल रही आधे हाथ में मैक्स कर ली थी मैंने कहा पागल थोड़ा और ऊपर छोड़ना कर दिया मुझे लगा कि मतलब मैं हमेशा फुल स्लीव से पहनती हूँ या फिर हाफ इतना तक पहनती हूँ तो मुझे लगा कि हाफ ही कर लेती हूँ वैक्स क्योंकि यहाँ तक तो आ ही जाएंगे तो शुक्र है इसने बोल दिया नहीं यहाँ तक तो कर ले कम से कम नहीं तो आज आधा हाथ में बाल आधे हाथ में साफ होता तो उसके बाद जब ब्लाउज पहना तो ठीक ही लग रहा था इतना ऑकवर्ड नहीं लगा मतलब ठीक लगा बढ़िया था सुंदर लग रही थी हमारे पास वैसे भी बहुत सोने हैं हम दिन भर सोते रहते हैं सोने का भंडार है हमारे घर में हम सुबह सोते हैं दिन में सोते हैं खाना खाते हैं शाम को सोते हैं सोना ही सोना है ओके दगड़ियों बाय ओके बाय लाइक भानु के चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें फॉरवर्ड करें और शेयर करें अच्छा व्लॉग तो साल में एक बार आता है फिर भी देख ली इसके उसमें इतने सारे व्लॉग पड़े एडिट नहीं करती होता है ऐसी है ये ऐसी हूँ मैं इसके साथ एक तो ऐसे ऐसे बोलने की आदत हो रही थी मैं पागल है क्या ऐसे हो रहा था नहीं तो मुझे कहाँ शर्म आती है कहाँ शर्म आ रही मैं नहीं तो चल ठीक है ओके गाइस एक मिनट का बोल दिया बेमतलब का